हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम लोग बच्चों हाइड्रोकार्बन में टॉपिक हमारा चल रहा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग ये जानेंगे कितनी तरीके की हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स जो चेन होती है वो कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले देख लीजिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है। स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर जो है तो जनरली तीन तरीके का होता है इसका, हाइड्रोकार्बन का। एक होता है चेन स्ट्रक्चर, दूसरा होता है ब्रांच्ड, और तीसरा होता है बच्चों रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है रिंग स्ट्रक्चर। ये तीन तरीके की स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रोकार्बन में। कैसे फॉर्म करता है हम लोग एक एक करके जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगर यहां पे एग्जांपल ले लिया जाए, पेंटीन का एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है, सॉरी पेंटेन का ले लू और आसान रहेगा समझने। पेंटेन का एग्जांपल, आप सभी को पेंटेन बनाना आता है। कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं बच्चों इसके अंदर, नंबर ऑफ कार्बन 5 होते हैं। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 4 हो गए, 2 पहले से ही है, 2 और लगा दिए, 2 पहले से ही है, 2 और लगा दिया, 2 और लगा दिए और 3 और लगा दिए, सबके 4-4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये चेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारे जो कार्बन होते हैं वो एक सिंपल, जैसे आप चेन देखते हैं ना एक कड़ी, उसकी फॉर्म में जुड़े होते हैं। यहाँ पे कार्बन क्या है, एक सीधी फॉर्म में, सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसी में हमें चेन स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया कि चेन स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि सीधे सीधे कार्बन क्या होंगे लाइन में अरेन्ज होंगे। अब हमें ब्रांच स्ट्रक्चर के बारे में देखना है, इसी में हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ब्रांच स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ब्रांच स्ट्रक्चर मतलब जैसे नाम से इसके लग रहा है कि मतलब शाखाएं होंगी इसके अंदर, मीन्स डालियां होंगी। और डालियां कैसी होती हैं, देखो हमने मान लिया यहाँ पे हमने क्या, फिर से हमने पेंटेन ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोगों, वैलेंसी हम लोगों ने कंप्लीट करी थी। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा के हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से एक कार्बन को हटा देते हैं और एक कार्बन को हटा के कार्बन के नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तीन है ये इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दो पहले ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसके तो कार्बन, इन सभी के वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी भी करनी है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जब हम लोग एक बार ब्रांचिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो स्ट्रक्चर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। कभी भी आए तो कंफ्यूज मत होना कि आइसो नियो क्या आ गया, तो आइसो के बारे में बता दिया, अभी नियो के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार ब्रांचिंग की हमने तो ये क्या बन गया, आइसो स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए नियो स्ट्रक्चर के बारे में, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके चलिए न्यू स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन में से मैं इधर से मैंने एक कार्बन को हटाया और यहाँ पे लगा दिया, इधर से भी मैंने क्या किया, एक कार्बन को हटाया और यहाँ पे लगा दिया। मैंने कितने कार्बन की ब्रांचिंग करी, 2 कार्बन की ब्रांचिंग करी। ठीक है, मैंने 2 कार्बन को क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया। ये पूरी एक चेन जा रही थी जिससे अब 2 डालियां निकल गई, एक इधर एक ऊपर। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो बच्चों, 2 पहले से ही है, 2 और लगा दो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके 2 पहले से ही है, 2 और लगा दिया, कंप्लीट हो गया। इसके 2 पहले से ही है, 2 और लगा दो, कंप्लीट हो गया। इस वाले कार्बन की कितना, 1 है, इसके भी क्या करो, 3 लगा दो, इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इसका 1 है, इसकी भी क्या कर दो, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन, जिसमें 2 बार ब्रांचिंग होती है उसको हम लोग नियो स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो, और इसी तरीके से अगर कोई सा भी एग्जांपल आए तो आप लोग उसे इजीली कर सको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चेन स्ट्रक्चर के, सॉरी रिंग स्ट्रक्चर के बारे में, कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है।
रिंग स्ट्रक्चर हमारा बेंजीन के केस में फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 6 कार्बन को हम लोग कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि क्या करें, ये एक रिंग की फॉर्मेशन कर दे। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ये रिंग की फॉर्मेशन इसने कर दी। अब लेकिन बात तो है, हमने ये कहा था कि हम लोगों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, कहाँ हो रही है, इस कार्बन के दो ही बॉन्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन लगा दिए, इसके भी दो 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 और इसके भी दो, यानी कि सभी कार्बन के दो दो हाइड्रोजन लगा दिए, तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा बेंजीन नहीं बना है, इसमें क्या है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, लेकिन हाइड्रोजन गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि ये जो C6H12 होता है, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सीन होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब इसी में अगर हम लोग क्या कर देंगे, हमें 6 ही कार्बन चाहिए, यानी कि हम हर जगह से क्या कर देते हैं, एक एक हाइड्रोजन हटा दें। ठीक है, हमने क्या किया, एक सभी जगह से एक एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो अब क्या होगा, ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज के ऊपर, सोचो, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दो, वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हमने लगा दिया, चलो कंप्लीट हो गया, यहाँ से मैंने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, दोनों हाइड्रोजन हटा दिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड लगा दिए, चलो बेंजीन का स्ट्रक्चर ही बनाना है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। क्या करो, तीन जगह पे डबल बॉन्ड बना दो, ऑल्टरनेट जगह छोड़ के। ठीक है, लो आपने डबल बॉन्ड बना दिया। अब इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी है, तीन है, तो कितना चाहिए, एक ही चाहिए। इसकी कितनी है, तीन है, तो इसको कितना चाहिए, एक ही चाहिए। इसकी भी तीन है, कितना चाहिए, एक। इसकी भी तीन है, इसको भी एक, इसको भी एक और इसको भी एक। मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने है बच्चों, 6 है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 है। तो ये हमारा क्या बनता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर आप लोग इसे वैसे बनाओगे स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ये बॉन्ड्स किधर भी शो कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है, तो हम लोग इसको किसी साइड भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। आई होप आप सभी को बच्चों वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को समझ में आया हो टॉपिक आज का, कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन के कितने तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। चेन स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारे फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं हमारी कार्बन चेन में, और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, और उसका जो नेम है वो भी चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।